हेलो दोस्तों, फोकस फ्यूचर पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब जैसा कि देखिए, मैं आपको कैलेंडर पढ़ा चुका हूँ पहले, तो आज देखिए कुछ मैं ट्रिक के माध्यम से आपके सामने कुछ लाया हूँ, ठीक है। जैसा कि आप कोई दिन निकालते हैं किसी भी तिथि का, ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे हम दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज आइए मेरे साथ, जो दिन निकालने की ट्रिक है वो सीखें, ठीक है। और वो भी किसके साथ? कोड के साथ। उसमें क्या होगा कि आपको कुछ कोड माह के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको मैंने सामने लिख रखा है कि जो माह के कोड हैं, ठीक है, क्या हैं जो माह के कोड हैं वो याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी जो माह के कोड हैं वो देखिए साधारण वर्ष के ये दे रखे हैं, और जो लीप वर्ष के हैं वो ये दे रखे हैं। सिर्फ देखिए जो लीप वर्ष में जो कोड होता है वो क्या होता है, 6 और 2 हो जाता है। बाद बाकी ये देखिए सारे ही हमारे जो जितने भी कोड हैं वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं, किसी भी कोड में कोई चेंज नहीं रहता। अब देखिए जो ये लिखे हुए हैं ये क्या हैं, शताब्दी वर्ष के कोड लिखे हैं। जैसे कोई 1200, 1300, 1400 और 1500, उसके बाद 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, 2100, 2200 और 2300। अब देखिए ये क्या है, 6420, ये देखिए अपनी उंगलियों पे ही याद हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं जो कि याद करने का जो तरीका है वो यहाँ बता दे रहा हूँ। तो देखिए याद करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ इस तरीके से याद करें कि जो साधारण वर्ष का है किस तरीके से, 033 क्या है, 033, 614 कितना, 614, देखिए 625 और 035 इस तरीके से भाई। तो ये देखिए क्या है, अरे ये कैलेंडर का दिन निकालने का तरीका है। जैसे अरे मोबाइल नंबर याद हो जाता है 10 नंबर का, बस इसमें 12 ही नंबर। तो समझ लीजिए क्या है कि कैलेंडर का मोबाइल नंबर है, क्या है कि इससे क्या हुआ, दिन निकल आया, क्या है, कैलेंडर का मोबाइल नंबर लेके आया हूँ आपके लिए आज मैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट हम दिन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, बताइए कि जो 15 अगस्त है 1947 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको जो सारी चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, साधारण वर्ष क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो हम जो कोड लगाएंगे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यूज कैसे करना है हम इस कोड को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आप यहाँ जो देखिए, सबसे पहले जो इसकी जो तारीख है, सबसे पहले क्या लेना है, तारीख। तो देखिए कितनी तारीख है, 15। तो सबसे पहले तारीख ही लेनी है, कितनी तारीख है, 15। अब देखिए यहाँ अगस्त लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगस्त। अब देखिए लीप वर्ष देखना है कैसे, लीप वर्ष मैंने बताया कि अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग करके देखना है, किसका, अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग करके देखना है। अगर वो पूर्णतः कट रहा है तो क्या है, लीप वर्ष है, नहीं कट रहा है तो कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। अब देखिए अगस्त, अगस्त का कोड क्या लगाना है आपको, देखिए यहाँ जो अगस्त दे रखा है, देखिए सिर्फ चेंज किसके होंगे, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी माह के कोड चेंज होगा, बाद भाई किसी भी दिन का कोई कोड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अगस्त का रहेगा, देखिए समान रहेगा चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। तो देखिए अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, 2। अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए अगस्त का लग गया। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, शताब्दी, शताब्दी का मैंने क्या लिखा है, देखिए हमें इन वर्षों से मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको छुपाएंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 19। तो 1900 का देखिए यहाँ पर कोड क्या है, तो 1900 का देखिए मैंने क्या लिखाया है, 0। 1900 का क्या लिखाया है, 0। तो सबसे पहले क्या लगाना है, फिर 1900 का लगाना है, 0। अब यहाँ देखने की जो पूरे वर्ष दे रखे हैं उनको ऐड करना है, कितने, जो 47 वर्ष दे रखे हैं उनको लेना है। अब इसके बाद देखिए जैसे हम देखते थे विषम दिन में कि हमारे कितने लीप वर्ष पड़े, तो देखिए 1900 का लग गया, 47 वर्ष लग गए। अब लीप वर्ष कितने पड़े, तो यहाँ देखने के लीप वर्ष कितने वर्ष में, 47 वर्ष में। और यहाँ लीप वर्ष देखने के लिए मैंने बताया किसका भाग देते हैं, 4 का। अब 4 का भाग जितनी बार चला जाए, यानी 4 से जितनी बार ये संख्या 47 कट जाए वही क्या होंगे, आपके लीप वर्ष होंगे। देखिए कितने बार कट रहा है, देखिए 4 से काटा, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, तो कितने बार कटा, 11 बार। तो आपके 1900 से लेकर 1947 तक जो लीप वर्ष पड़े वो कितने पड़े, 11। तो आपको क्या कर देंगे इसमें, 11 और ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, इसमें 7 का भाग करना है, किसका भाग करना है, 7 का। अब देखिए या तो इसमें अब सभी को जोड़ो, 15, 2, 47, 11, सभी को जोड़ के 7 का भाग करना। और देखिए मैंने बताया था 7 का भाग करके क्या करते हैं, हमेशा शेषफल किसका ध्यान रखते हैं, शेषफल का ध्यान रखते हैं। अब देखिए सभी को जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, तो देखिए 7 दिन बाद वही दिन होता है वो बताया था। तो यहाँ क्या करेंगे कि 7 से इन्हीं संख्याओं में भाग देते जाएंगे और यहीं पर आप शेषफल बचाते जाइए, ठीक है। अब देखिए इसको 7 से काटेंगे, देखिए 7 से काटा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, यानी शेषफल कितना बचा, 7 से शेषफल, शेषफल जो बचा आपका कितना बचा बेटा, 1। अब देखिए यहाँ बचा 1, अब देखिए यहाँ काट दिए, 7, 7 6 42, कितना, 7 6 42, बचा कितना, 5, यहाँ कितना बचा, 5, ठीक है। अब देखिए 11, अब 11 में 7 का भाग दीजिए,
सात एकन सात, बचा कितना चार। अब देखिए फिर भी सात से ज़्यादा बच रहा है, देखिए फिर भी क्या बच रहा है, सात से फिर ज़्यादा बच रहा है, तो भाई फिर सात से अगर ज़्यादा बचे फिर दोबारा से सात से डिवाइड कर दिए, देखिए पाँच और चार कितने हो जाएंगे नौ, बचा कितना दो। अब देखिए बचे कितने थे, दो ये थे और दो ये बचे थे और एक ये बचा था पहले, तो कितने बचा था हमारे पास पाँच। अब हम इस पाँच का क्या करें, इस पाँच का क्या करें, पाँच का करना क्या है। अब देखिए यहाँ देखिए जो सात से भाग देते हैं और सात से भाग करने के बाद बचता क्या है आपके पास, दिन, और दिन जो बचा है वही क्या होगा आपका, दिन होगा। क्या बचा, जो आप शेषफल बचा वही क्या होगा, दिन का कूट, इसका मतलब वही आपका दिन आ गया। यानी इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, पहले तो इस माह के कोड, दूसरी चीज़ इसका कोड, और सात से जब भी भाग करेंगे तो शेषफल ध्यान रखना है, और शेषफल पर जो बच रहा है एक से लेकर सात तक, यह सात बच या जीरो क्या रहेगा, रविवार। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी, और इससे क्या होगा, जो आपका कैलेंडर में दिन होगा सेम वही दिन निकल के आएगा। क्या हुआ, कैलेंडर में जो दिन दे रखा होगा, तो बेटा सभी लोग आप चेक कर सकते हैं, जो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, चलो देखिए एक क्वेश्चन में देता हूँ यहाँ पर, चलो चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, चलिए बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए जैसे पूछ लिया जाए 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हुआ, 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ठीक है क्या है 12, सबसे पहले तारीख क्या लेनी है, 12 तारीख। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनते हैं किस तरीके से हम कोड यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तारीख क्या लेनी है, 12। अब देखिए 12 के बाद यानी जो जनवरी का माह है यह क्या है, 12 जनवरी 2013। अब जनवरी का कोड क्या होगा, देखिए मैंने अभी बताया था जनवरी का जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तो जीरो लिखा हुआ है, एक छ लिखा है, छः लिखा हुआ है। देखिए जब साधारण वर्ष आएगा तो कोड कितना रहेगा, जीरो, और जो लीप वर्ष आएगा उसका कितना रहेगा, छः। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका कोड है वो देखिए जनवरी का, यहाँ ये देखना है कि ये वर्ष कैसा है हमारा, साधारण, क्योंकि ये 13 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 2013 कैसा है, साधारण वर्ष, तो इसमें देखिए जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। उसके बाद जो आपका रहेगा देखिए 2000, अब देखिए 2000 का मैंने कोड क्या लिखा है, देखिए 2000, तो देखिए 2000 का कितना कोड लिखा हुआ है, 6, सिर्फ कितना लिखा हुआ है कोड यहाँ पर मैंने, 6, तो देखिए यहाँ पर जो 2000 का कोड हो जाएगा आपके लिए 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरे 13 वर्ष लेंगे, पूरे जो वर्ष लेने हैं कितने लेने हैं, 13, 2000 का क्या हुआ 6, जनवरी का कोड क्या हो गया 0, और 12 का तारीख का तारीख वही लेते हैं। अब देखिए इस के बाद क्या लेते हैं कि लीप वर्ष कितने हैं, तो 13 में किसका भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे, किसका भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे, और 4 से जितनी बार चला जाए तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी कितने बार कट गई संख्या 13, यानी 3 बार 4 = 3 = 12, यानी तो शेषफल नहीं ध्यान देना, सिर्फ भागफल पर ध्यान देना है, तो कितना बचा 3। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, 7 का भाग, या तो इन सभी को जोड़ो और 7 का भाग कर दो। बेटा क्या है, सभी को जोड़ो और 7 का भाग कर दो। अब सभी को नहीं जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहीं पर 7 से भाग करते जाइए। देखिए यहाँ 7 से काटेंगे, देखिए 7 × 7 एक ही बार जाएगा, कितना बचा 5, यानी जो शेषफल बचा कितना बचा 5, 7 से शेषफल। अब देखिए यहाँ पर कितना है 13, देखिए 7 × 7 कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब देखिए फिर भी 7 से देखिए कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है, यहाँ होता है 6 और 3 कितना हो गया 9, कितना बचेगा यहाँ पर 2, देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, बचा कितना, यानी 7 से भाग करेंगे 8, 8 में भाग करेंगे 1 बचा, और देखिए क्या हो गया 5 और 6, यही तो बचा। अब देखिए सभी को जोड़ो तो सबका 7 से भाग करके तब शेषफल बचाना है, तब भी कितना बचेगा 6। ठीक है, तो जो अब देखिए जो बताया था लास्ट में जो 6 पर, तो 6 पर आपका दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको जो देखना कि जो 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था, शनिवार था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 20 मार्च
20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इससे क्या है, आप चेक भी कर सकते हैं कैलेंडर का रियल दिन आता है या नहीं भी आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिल ही जाता है कि डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसका दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20, सबसे पहले क्या लेनी है, तारीख, तारीख कितनी है यहाँ पर 20। अब देखिए मार्च, अब देखिए ध्यान रखना, मैंने बता दिया था 033, 614, 625, 035, तो ये क्या है, साधारण वर्ष के, सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होता है। तो देखिए यहाँ मार्च है तो मार्च का तो वही रहेगा 033, यानी 033, इस तरीके से ध्यान रखना है 033, 614, 625, 035, तो यानी उंगलियों पर याद कैलेंडर का दिन निकलेंगे, किस पे, उंगलियों पर। तो देखिए मार्च का जो कोड हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, मार्च का कोड कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 2000, अब देखिए अभी बताया था 2000 का कितना होगा, 6, अभी लगाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो देखिए एक बार देख लेना 2000 का जो हो जाएगा 6। अब यहाँ जो वर्ष हैं कितनी दे रखी हैं, यानी आपको अच्छा लीप वर्ष का देखना है, तो लीप वर्ष वाले आगे वाले की संख्या देखिए कितना है, 2000 है या 1600 है 1900, तो बस यहाँ जो शताब्दी का कोड मैंने था बस वो लगाना है। अब यहाँ जो बचा है यानी कितने वर्ष बचे आपके पास, 20, तो यहाँ जो 20 वर्ष पूरे लिख लेने हैं। अब जो 20 वर्ष मैंने 2000 से लेकर 2020 तक कितने लीप वर्ष हुए, तो यानी 20 में कितने का भाग देंगे, अभी बताया था लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो देखिए कितने बार कट गया, 4 × 5 = 20, कितने बार कटा, 4 × 5 = 20, तो यानी कितने लीप वर्ष, यानी एक लीप वर्ष भी है 2020। ठीक है, तो यानी 7 से भाग कर दीजिए, किससे भाग करेंगे, 7 से। ठीक है, इन सभी के देखिए कोड में निशान भी लगा दिए कि कौन सा किसका कोड है, और ये जो यहाँ पर निकालते हैं वो क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष हैं। तो इन देखिए सभी को ऐड करके आप 7 का भाग दीजिए, आपको आसानी हो जोड़ के, और देखिए डायरेक्ट आसानी यही होगी, 7 से शेषफल पर ही ध्यान देना। देखिए यहाँ से 7 से काट रहे हैं, देखिए कितना, 7 × 2 = 14, कितना बचा हुआ है, तो आपके पास देखिए, अगर देखिए मान लीजिए अगर काटना नहीं आता तो इस तरीके से ऐड कर लीजिए, 20, 3, 6, ठीक है, और देखिए यहाँ पर 20, और देखिए इधर कितना है, 5, ठीक है, इन सभी को जोड़ के, और फिर किसका भाग कर देना है, ऐसे 7 का, इस तरीके से आप जोड़ के भी भाग कर सकते हैं। और आपको एक आसानी से तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। देखिए 7 × 2 = 14, ठीक है, बचा कितना, जो शेषफल पर ध्यान देना है आपको, शेषफल पर, ठीक है, तो ये कितना बचा शेषफल यहाँ पर, 6, ठीक है, 7 × 2 = 14 बचा था 6, अब देखिए यहाँ 6 और 3 कितना हो गया, 9, बचा फिर कितना आपके पास, 2, अब देखिए कितना हो गया, 6 और 2 = 8, यहाँ कितना हो गया, यानी देखिए 6 और 2 = 8 और 20 कितना हो गए, 28, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्योंकि 7 × 4 कितने हो जाएंगे, 28, 0, अब इसी बचा कितना आपके पास, 5, कितना बचा, सिर्फ 5 बचा, इसका मतलब 5 पे आपका क्या था, देखिए 1 पर सोमवार था, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार और 5 पर शुक्रवार, तो इसके दिन क्या था, आप चेक कर लेना, शुक्रवार होगा, क्या होगा बेटा इसके दिन, शुक्रवार। देखिए सारे कोड लिख दिए हैं, आप एक बार खुद से देखें कौन सा किसका कोड होता है, ठीक है, सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में लिख दी है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार सुबह शाम देख लें, तो ज़्यादा कुछ इसमें कठिनाई नहीं होगी आपको, तरीका है, ठीक है, करने में। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद खुद करना है आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे बताइए 12 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, 12 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है, 12, और ये क्या है, देखिए अगस्त, और अगस्त का क्या कोई कोड चेंज होगा, नहीं, यानी साधारण वर्ष के सिर्फ जनवरी और फरवरी माह का चेंज होता है, बाकी किसी का कोड चेंज नहीं होगा। तो देखिए अगस्त का कितना रहेगा, देखिए कोड देख लीजिए, देखिए 033, 614, 625, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी उंगलियों पर दिख रही काउंट हो रहा है, तो 2 हुआ इसका, 2 हुआ कोड, और 12 तारीख, तो तारीख ही सेम लेनी है। अब देखिए 2000 का कितना होगा, 2000 का हो जाएगा 6, अब देखिए यहाँ 12 है तो प्लस पूरे कितने, 12 दिन, यानी जो 12 वर्ष हैं वो पूरे लेने हैं, और यहाँ पर 12 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4 से काट देंगे, 4 × 3 = 12, तो यानी 3, अब देखिए इसको, अब मैंने बताया था अभी 7 से भाग कर देगी, देखिए 12 और 2 = 14, इसका मतलब यहाँ 12 और 2 = 14 कितने हो गए, 2 = 14, और 14 में हम 7 का भाग करेंगे, क्या कुछ बचेगा, यहाँ 0 होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 12 और 6 कितने हो गए, 12 और 6 = 18, कितने 12 और 6 बचा कितना, 18 में जब 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 × 2 = 14, यानी 4 हो जाए, 4 और 3 = 7, और 7 में अभी बताया था क्या होगा,
रविवार, सातवां क्या होगा रविवार, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बता दीजिए 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तारीख ही लेनी है आपको, क्या लेनी है तारीख। अब सबसे पहले ये देखना है जब जनवरी और फरवरी आ जाए तो ये ध्यान जरूर रखें कि यहाँ पर लीप वर्ष तो नहीं है, क्या है लीप वर्ष दो तो नहीं है आपका। तो देखिए 2016 कैसा है, लीप वर्ष है। 2016 लीप वर्ष क्यों है कि ये चार से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है चार से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो देखिए चार से काट दीजिए, चार चौक 16, इसका मतलब लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में देखिए क्या हो जाता है, जनवरी का 6 हो जाता है और फरवरी का कितना हो जाता है 2, ये जनवरी का हो जाता है ये। और तो फरवरी का क्या लेंगे यहाँ पर, कोड 2 लेंगे, 3 मत लगा देना, तो यहाँ पर कितना 2, ठीक है। अब ये जो कल यहाँ 2000 का भी बताया था कितना रहेगा 6। अब देखिए यहाँ 16, पूरे वर्ष कितने लेने हैं यहाँ पर 16, ठीक है। अब उसके बाद जो 16 में हम किसका भाग करेंगे 4 का, तो 4 से कितना चला जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ पर देखिए 4। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए 7 का, और 7 से वही बताया 7 से शेषफल डायरेक्ट देखिए काट दीजिए, 12 और 2 14, 14 यहाँ कुछ बचा, 7 2 नहीं 14, 0 बचा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 7 से काटेंगे इसको, 7 2 नहीं 14, कितना बचा हुआ है 2। अब देखिए 6 और 2 8, इसको काट देंगे कितना बचा 1, तो देखिए कितना 4 और 1 5, और 5 पे क्या हो जाएगा बेटा शुक्रवार, चेक कर लेना इसका जो दिन होगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर शुक्रवार, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जनवरी 1812 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना ही क्या है, सबसे पहले तारीख, तारीख के बाद क्या ऐड करेंगे जनवरी, और जनवरी का कोड क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंतिम के अगर 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वह वर्ष क्या होगी, लीप वर्ष होगी। तो देखिए 4 से कट जाएगा ना, देखिए इस वाले अंक में 4 3 12, तो ये क्या है लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में अभी बताया था 6 और 2 हो जाता है किसका, ये जनवरी का हो जाता है ये फरवरी, तो जनवरी का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखिए 1800 का क्या लेंगे, तो देखिए 1800 का देखिए क्या है, 1800 का क्या है यहाँ पर 2, 1700 का क्या है 4, 1600 क्या है 2, जो वर्ष दे रखी है यहाँ पर वही ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगी वर्ष कौन सी है 1800 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए पूरे वर्ष ये तो हो गया शताब्दी कोड, और वर्ष कितने हैं टोटल 12, और उसके बाद 12 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो अभी बताया था लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का भाग, जितने मार कट जाएं उतने ही लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए कितने हो जाएंगे 4 3 12, तो कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, सीधे इसमें क्या करना है 7 का भाग करना है। देखिए यहाँ पर कर दें भाग, तो ये देखिए यहाँ से भाग करें 7 2 नहीं 14, बचा कितना 6 6 और 6 12 12, जब 7 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा 5, देखिए 5 और 2 7, 7 से काटेंगे तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए यहाँ करेंगे 12 और 3 15, और 15 में जब हम किसका भाग करेंगे 7 का, तो कितना बचेगा 7 2 नहीं 14, और जो शेष पल बचा वो कितना बचा 1, और 1 पर क्या होगा बेटा सोमवार, 1 पर क्या होगा सोमवार, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें और जो भी क्वेरी होगी वो खुद बताएंगे आप, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पच्चीस जनवरी 1915 को कौन सा दिन था, ठीक है, 25 जनवरी 1915 को कौन सा दिन था। अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है आपको, सबसे पहले तारीख लेनी है, कितनी तारीख है 25 जनवरी, जनवरी का कोड क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखेंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष होगा तो 0, लीप वर्ष है तो कितना रहेगा 6, तो यानी 4 से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 4 3 12 है, 4 चौक 16 है, तो साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर कितना लेना है साधारण वर्ष के लिए क्या होता है 0। अब 1900 के लिए भी बताया था, पीछे देख लें 1900 के लिए क्या होगा कोड, ये देखें पहले क्या है 1900 के लिए 0, और टोटल वर्ष कितने हैं 15, अब उसके बाद 15 वर्ष हैं, उसके बाद लेना क्या है, यानी अब रह गए आपके लीप वर्ष, उसके बाद क्या रह गए लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या करेंगे, लीप वर्ष में निकालने के लिए 4 से भाग, कितना 4 3 12, यानी कितने लीप वर्ष होंगे 3 लीप वर्ष होंगे, तो 3 लीप वर्ष हो गए,
ठीक है, अब 7 से काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 × 7 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, यानी 3 बार चला गया 7 × 3 = 21, बचा कितना यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर भी कितना बचेगा 1, देखिए यहाँ तो 0 0 है, 0 से कोई मतलब ही नहीं, 7 × 2 = 14, शेषफल कितना बचा 1, देखिए 4 और 3 = 7 और 1 = 8। अगर हम 8 में अगर 7 का भाग देंगे तो बचेगा कितना शेषफल, तो हमें ध्यान देना, 7 से जब भी ध्यान देना है तो शेषफल पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है शेषफल, शेषफल 1 बचा तो क्या होगा सोमवार, ठीक है सोमवार होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जाता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर सभी आंसर अपना जरूर देंगे, ठीक है। चलिए March 1996 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये वाला कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कौन सा दिन था, ठीक है सभी लोग। और देख बताइए क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ मैं डेली आपको शाम को लाइव आऊँगा, ठीक है, और अब जरूर प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा, और देखिए एग्जाम आने वाले हैं तो आप निरंतर अध्ययन करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय।